नमस्कार, ईटीवी के खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय लाल और आज हमारी टीम मौजूद है चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि चतरा बेहद ही उग्रवाद प्रभावित इलाका है और यहां जितने भी उग्रवादी संगठन काम कर रहे हैं झारखंड में, उन सबकी शरणस्थली कहीं ना कहीं चतरा ही है और साथ ही चतरा में बिहार की हवाओं का भी खासा असर होता है। तो आइए जानते हैं चतरा के राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में, साथ ही प्रत्याशियों की संख्या क्या है, इस उम्मीद के साथ कि आंखों को हर वक्त कहते और सुनते रहे हैं हम कि बरसात को आना था और सूखे में आना था। चतरा की पहचान उग्रवाद प्रभावित इलाके के रूप में होती है। चतरा में बमुश्किल 24 में से 4 से 5 घंटे ही बिजली मिलती है। आवागमन के लिए सिर्फ सड़क मार्ग है, जिस पर शाम 5 बजे के बाद यात्री वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो जाता है। कृषि प्रधान चतरा में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हाल के कुछ वर्षों में छोटे छोटे चेक डैम जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उसे कारगर नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा बेरोजगारी की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। अब नजर डालते हैं चतरा विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। चतरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चतरा सीट पर कुल प्रत्याशी हैं 7, राजद जनार्दन पासवान, जेवीएम सत्यानंद भोक्ता, भाजपा जयप्रकाश सिंह भोक्ता, झामुमो मनोरमा देवी। यहां मतदान केंद्रों की कुल संख्या है 308। शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्र हैं 18, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र हैं 290। यहां वोटरों की कुल संख्या है 338,881। पुरुष वोटरों की संख्या है 189,368। महिला वोटरों की संख्या है 159,512। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता 28,003। बात करते हैं सिमरिया की। सिमरिया को भी कृषि प्रधान इलाका के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ भी कृषि व्यवस्था पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। सिमरिया में CCL के पीपरवार, अशोका, राय और मगध आम्रपाली कोयला प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के काफी कम स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। सिमरिया में NTPC की विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। कुल मिलाकर कहें तो चतरा और सिमरिया के लोग आज के दौर में भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। अब नजर डालते हैं सिमरिया विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। सिमरिया सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भाजपा सुजीत भारती, राजद मनोज चंद्रा, JVM गणेश गंजू, झामुमो राजकुमारी देवी। यहाँ मतदान केंद्रों की कुल संख्या है 338। यहाँ वोटरों की कुल संख्या है 298,792। चतरा विधानसभा सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में भाजपा के सत्यानंद भोक्ता ने राजद के जनार्दन पासवान को 4,682 वोट के अंतर से हराया था, लेकिन 2009 के चुनाव में राजद के जनार्दन पासवान ने भाजपा के सूबेदार पासवान से इस सीट को झटक लिया। सिमरिया सीट पर 2005 में हुए चुनाव में भाजपा के उपेंद्र नाथ दास ने CPI के रामचंद्र राम को हराया था, लेकिन 2009 के चुनाव में JVM के जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने भाजपा से इस सीट को छीन लिया। तो अभी आपने देखा चतरा और सिमरिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। साथ ही यह भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार चतरा और सिमरिया में दल और दिल बदलने का खेल हुआ है, और हम सीधे चलेंगे उन वोटरों के पास जो इन प्रत्याशियों की किस्मत पर अपनी मुहर लगाएगी। तो आइए चलते हैं चतरा के किसी गांव में और जानेंगे वोटरों की आखिर क्या राय है, वोटर इन प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं, लोकतंत्र के महापर्व के बारे में आखिर वोटर क्या सोचते हैं, आइए चलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधे वोटरों से बात करेंगे कि उनके जेहर में क्या चल रहा है, प्रत्याशियों के बारे में उनकी क्या कुछ समझ है, क्या मुद्दा है, जब आप वोट देने जाएंगे क्या कुछ मुद्दा रहेगा? बस यही कि हमारे देश से भ्रष्टाचार हट जाए और हमारे देश के लोगों को का उन्नति हो, विकास हो। क्या कुछ मुद्दा होगा जब तुम जाओगी वोट डालने? हमारे लिए हमारे झारखंड में सबसे पहला मुद्दा शिक्षा होगा। यहाँ पे शिक्षा का बहुत कमी है, हम चाहेंगे कि शिक्षा पे सबसे पहले ध्यान दिया जाए। वोट डालने का मेरा यही स्वर रहेगा कि सबसे पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाए। यहाँ शिक्षा और डॉक्टर के मामले में कोई भी सुविधा नहीं है। शिक्षा और बेरोजगारी इस क्षेत्र में रहेगा, इसी के मद्देनजर जो इसको दूर करेगा उसी को युवा वोट देगा। बिल्कुल। और अब कुछ देर बाद हम बात करेंगे सिमरिया के कुछ वोटरों से।
तो चलते हैं सिमरिया। और अब हम मौजूद हैं सिमरिया के टंडवा थाना क्षेत्र से सटे हुए सुपारम गांव के कुछ वोटरों के साथ, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है सिमरिया की समस्याएं और वहां के लोग यदि वोट देने जाएंगे तो उनके जेहन में क्या चलेगा। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिमरिया क्या वोटर हैं, क्या कुछ मुद्दा होगा जब आप वोट देने जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ यह जो क्षेत्र है बहुत ही अविकसित है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और हम चाहते हैं हम ऐसे प्रत्याशी को मतदान करें जो हमारे झारखंड को सोचते हुए हमारे गांव का भी विकास करें। मेरे यहाँ सड़क नहीं है, पुल नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का बहुत अभाव है, शिक्षक का बहुत अभाव है, और हम लोग बहुत अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। पिछड़ा महसूस इसलिए करते हैं कि अस्पताल में ना डॉक्टर है, ना रुई है, ना सुई है, बिजली के खंभे मौजूद जरूर हैं लेकिन लोगों के घरों में अंधेरा पसरा होता है, कि बिजली को लेकर क्या सोचते हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से हम लोग इस विधानसभा में ऐसे प्रत्याशियों को वोट देना चाहते हैं जो प्रत्याशी कम से कम हमारे लिए सड़क का निर्माण करा ले, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं और जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं उस गांव से 15 किलोमीटर के बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं है और पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, और यहां के लोग अधिकांश लोग पलायन कर चुके हैं, यहां के लोग अक्सर बाहर जाते हैं। हमने देखा कि रात शाम होते ही यदि कोई व्यक्ति सिमरिया में यदि आप रहते हैं और शाम 5 बजे के बाद आपको राजधानी जाना हो तो क्या आप हिम्मत करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र है वो पूरा उग्रवाद प्रभावित है, इससे लोग शाम ढलते ही अपने गांव की ओर चल जाते हैं, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और किसानों को जो व्यवस्था चाहिए, इस तरह का व्यवस्था जो भी पार्टी के उम्मीदवार हमारे लिए सोचते हैं या हमारे लिए ऐसा घोषणा पत्र में अपना वादा करते हैं, हम ऐसे प्रत्याशी को वोट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हमारा क्षेत्र में अच्छा विकास करे, और यहाँ पर विकास नहीं रहने के कारण पलायन बहुत कर चुका है, और यहाँ सिंचाई, किसानों के लिए सिंचाई सुविधा होना चाहिए, रोड होना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए। लोग यहाँ के वोटर कुछ बड़ी बातें नहीं मांग रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी की बात कर रहे हैं, उग्रवाद उन्मूलन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और युवा है, मैं उनसे सीधे बात करने की कोशिश करता हूँ। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो क्या सुविधाएं मिलती है? हमारे यहाँ तो उस तरह की सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब उम्मीद है कि जिस तरीके से घोषणा पत्र में कहा जा रहा है कि पूरा स्कूल सुविधाएं, कॉलेज की सुविधाएं दी जा रही है, इस उम्मीद से अब हम वोट भी डालेंगे समझ। यानी कि लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, सिमरिया की जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं, क्या कुछ इन उम्मीदों से खरा उतर पाते हैं यहाँ के प्रत्याशी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सीधे चलेंगे प्रत्याशी के पास और उनसे जानेंगे उनके दावे की सच्चाई क्या है, किस मुद्दे पर वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बारी है प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों से यह जानने की कि चुनाव में उनके दावे की हकीकत क्या है और क्या कुछ मुद्दा लेकर वो चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह भोक्ता मौजूद हैं। बॉस, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पहले आप विधायक थे सिमरिया से, अब क्षेत्र भी बदला, दल भी बदला, इसके पीछे क्या वजह रही? आज भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड को एक बेहतर सरकार दे सकती है, स्थिर सरकार दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड का विकास कर सकती है। जयप्रकाश जी, जब मैं कल चतरा आ रहा था, देखा कि शाम 5 बजे के बाद से जो बिजली गुल हुई, रात तक दर्शन नहीं हुए बिजली की, वही स्थिति ये है कि सड़कों पर यदि 5 बजे के बाद किसी को चतरा से रांची जाना है तो 100 बार सोचता है कैसे बदलेंगे परिस्थिति को। निश्चित तौर पर ये समस्याएँ हैं बिजली के लिए, आप कह सकते हैं कि सारी हड़ताल झारखंड में है, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, कोयला है, कोयले खदान हैं, और यहाँ से कोयले दूसरे जगह जाते हैं बिजली के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में अगर झारखंड में बिजली नहीं है तो ये एक चिंता के विषय है। और आप देखेंगे कि कई जगह पावर ग्रिड का निर्माण होना था, पावर सब ग्रिड का निर्माण होना था, और 8 जगहों पर होना था पिछली बार में, 2005 का ये थी था, 2005 से लेकर अभी तक पावर ग्रिड का निर्माण नहीं हुआ, सब ग्रिड का। तो ये एक अस्थिर सरकार ना होने के कारण ऐसा हुआ। भाजपा प्रत्याशी के बाद अब बारी है जेबीएम प्रत्याशी सत्यानंद भोक्ता के दावों के बारे में जाने का। सत्यानंद जी, आप चुनाव में जा रहे हैं, वोटरों के पास जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा लेकर जा रहे हैं,
क्योंकि दल बदलने का आप पर छाप लग चुका है। देखिए यहाँ पर हम 10 बरस यहाँ के मतदाताओं का आशीर्वाद मिल चुका है। 10 वर्षों ने जितना हम शहर से लेकर गांव तक काम किए, सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, जितना डेवलपमेंट काम किए हैं, आज़ादी के बाद जितना सांसद बना, जितना विधायक बना है तक कोई काम नहीं किया। और 2009 के विधानसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव में जो भी सांसद बने, जो भी विधायक बने, नया काम तो नहीं कराया, लेकिन पुराना काम जो मेरे द्वारा कराया गया था उसका मरम्मत या जीर्णोद्धार नहीं किया। और पूरे तस्वीर आप देख सकते हैं, जितना शिलापट लगा हुआ है मेरा, जितना रोड बना हुआ है, जितना गेट बना हुआ है, किसी सांसद किसी विधायक को लगा हुआ नहीं है। अभी जो सामने प्रत्याशी हैं, एक सिमरिया से भागा है, एक चतरा 5 साल ठगा है, जनता ने मन बना लिया है कि सत्यानंद भोक्ता ने जो काम किया है 10 वर्ष, आज़ादी बाद को नेता काम नहीं किया था, इसलिए एक वोट और दो चोट होगा। सत्यानंद भोक्ता झारखंड विधानसभा ने सत्यानंद भोक्ता सत्यानंद जी, चतरा की स्थिति यह है कि शाम 5 बजे के बाद से सूरज उगने का इंतजार लोग करते हैं, क्योंकि घरों में रोशनी आ सके। 5 बजे के बाद किसी को रांची जाना है तो वह भी सूरज उगने का इंतजार करता है। कैसे इन मुद्दों को आप दूर कर पाएंगे? देखिए, यहाँ मुख्य मुद्दा बिजली के बारे में बोलना है। बिजली का है, हम लोग अभी 3-4 दिन के अंदर तो चुनाव संपन्न होने के बाद काउंटिंग होगी, सरकार बनेगी, उसके बाद बिजली का जो जनरल मुद्दा है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब मेरा पहला प्राथमिकता है। और इस क्षेत्र में हम बहुत काम किए हैं, अब कुछ काम बाकी। यहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए जब तक उद्योग की स्थापना नहीं होगी तब तक प्लान नहीं रुकेगा। पहला प्राथमिकता है कि चतरा में उद्योग लगे और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले और प्लान रुके। बिल्कुल, सत्यानंद भोक्ता का दावा है कि यदि वो विधायक बने तो उनका सबसे अहम रोल होगा इस जिले से, इस विधानसभा क्षेत्र से लोगों का पलायन रोकना। और अब हमारे साथ हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी गणेश गंजू, सीधे उनसे बात करते हैं। गणेश गंजू जी, आपकी खासियत यह है कि आप 14 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो 14 महीने में हुआ ये कहते रहे हैं। अचानक से बाबूलाल मरांडी पर आस्था इसलिए जताया कि टिकट विचारधारा हो गई आपकी? जी, पूरे झारखंड में सिर्फ बाबूलाल जी का लहर चल रही है। जनता अब निर्णय ले चुकी है कि किसी भी हाल में झारखंड विकास को झारखंड में सरकार बनाना है, और किसी दल में आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया है और ना किसी दल में मुख्यमंत्री का आज तक कोई दावेदार है, ना उनके पास कैंडिडेट हैं। झारखंड विकास मोर्चा एक ऐसे हैं जो अपने दावेदारी पेश कर ले हैं मुख्यमंत्री के लिए, और उनके लिए जनता पूरे झारखंड में निर्णय ले चुकी है। लेकिन यही बात कुछ दिन पहले तक आप यहाँ के जो पार्टी हैं झामुओं के बारे में बोल रहे थे। जी, झामुओं के बारे में बोले थे, उनसे भी मुझे कुछ आशा जगी थी, लेकिन उनसे जो भी हमने निवेदन किया उसका जस्ट वो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो जितने लोग थे उनका जस्ट वो उल्टा काम करने का काम किया था। सिमरिया में जो समस्याएं हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि हमने देखा कि 5 बजे के बाद से सड़कें वीरान हो जाती हैं, दुकानें लगभग बंद हो जाती है, नक्सलियों का खौफ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे गणेश जी? देखिए, नक्सलियों का ऐसा कोई खौफ नहीं है, यहाँ कुछ छोटे मुद्दे के लोग बहुत बड़ा बना देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे सिमरिया विधानसभा में जो बंद हो जाती है उसकी एक ही वजह है कि यहाँ हर चीज़ से समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जिसके कारण है कि बहुत जल्दी लोग काम करने से लोग चले जाते हैं। ना बिजली है, ना बढ़िया पानी है, ना उनके पास कोई व्यवस्था है कमाने का। अगर आज हमारे यहाँ सिमरिया विधानसभा ने बोले पूरे क्षेत्रा जिला में अगर सिर्फ बिजली का समस्या ठीक हो जाए तो यहाँ के लोग जो 6 बजे बंद करते हैं उनको 10 बजे से पहले फुर्सत नहीं मिलेगा, वो नई काम रहने के चलते लोग जल्दी से बंद कर देते हैं। और पलायन के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के अधिकतर वोटर अभी दूसरे राज्य में धनकटनी में व्यस्त हैं और आप चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं, कौन वोट देगा जब लोग ही यहाँ मौजूद नहीं हैं? जी, जहाँ जो हैं वो वोट देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी ये बुझा रहा है कि हम अपने आदमी को जब तक अपने ताकत में उनको नहीं लाते हैं तब तक मेरा जो ये बेरोजगारी है ये दूर करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। जब ही करेगा तो मेरा ही आदमी कर सकता है, और सिर्फ वो झारखंड विकास मोर्चा में लोगों को ही नज़र टिका हुआ है।
गणेश जी, कुछ ऐसा रोड मैप आपने बनाया है कि आपको यदि यहाँ की जनता, सिमरिया की जनता विधानसभा में भेजती है तो अमुक अमुक काम हमारे प्रायोरिटी में रहेगा, क्या कुछ कुछ सोचा है या सिर्फ वोट मांग रहे हैं? जी, मैं सोचा हूँ कि अगर पब्लिक का आशीर्वाद, मतदाताओं का अगर आशीर्वाद लगता है तो पहला प्रथमता रहेगा कि यहाँ से नौजवानों को जो पलायन हो रहा है उसको मैं रोकने का प्रयास करूँगा। तो चतरा विधानसभा में कुल 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा JVM के बाद अब बारी है RJD के प्रत्याशी प्रतिनिधि से बात करने की। इस वक्त हमारे साथ RJD के जो प्रत्याशी हैं जनार्दन पासवान, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं अरुण कुमार यादव जी। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लोग क्यों वोट दें? जी, सबसे पहले चतरा दबे कुचले बैकवर्ड हरियन क्षेत्र है। दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम सिर्फ और सिर्फ जनार्दन पासवान करते हैं। आपको ये मालूम होना है होगा ही कि चतरा उग्रवाद से ग्रसित क्षेत्र है। ये उग्रवाद से मुक्ति की लड़ाई सिर्फ जनार्दन पासवान लड़ रहे हैं। आज हम लोग को यहाँ तथाकथित पूंजीपति लोग बेवकूफ बना करके रखे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो दबे कुचले अकलियत की बात करती है। बिल्कुल अरुण जी, आप जब ये बोल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, दबे कुचले की पार्टी है। लेकिन आपके जो मौजूदा विधायक है जनार्दन पासवान, उन्होंने क्या कुछ किया? 15 करोड़ विधायक मत की राशि, कहीं कुछ दिखता है? बहुत दिखता है। जैसे आपका कंदवा तेरी चक डैम, आपका दुल्की आहार, ये आपको हेरुआ नदी जहाँ 4.25 करोड़ रुपया की लागत से जीर्णोद्धार हो रहा है, ऐसा बहुत काम है जो हुए हैं। और यहाँ कोर्ट में बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है आपका वार का, तो ऐसा बहुत काम है। एक ही साल सभी काम तो नहीं हो जाएगा, यानी कि 5 साल और चाहिए आपको काम करने के लिए। बिल्कुल, जो अधूरा काम है, मैं तो माइक से बोल रहा हूँ घूम घूम करके, जो कुछ कार्य रह गए हैं उसको पूरा करने का मौका दे। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं रंग फिरवा लोग जो दल बदल बदल के आ रहे हैं, लेकिन हम जनार्दन पासवान जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि चतरा विधानसभा से किसी कारण से 2-2 बार हारे, फिर भी चतरा के गरीबों को ही नहीं छोड़े बेचारे। हम इनको धन्यवाद देते हैं इस बात से कि यहाँ के लोगों के लिए समर्पित हैं। जनार्दन पासवान गरीब के बेटा है और बड़ा अति पिछड़ा प्रखंड से, प्रतापपुर से आते हैं, हम भी प्रतापपुर प्रखंड से आते हैं। लेकिन चतरा में बिजली की स्थिति जितनी बुरी है शायद ही किसी जिले की होगी। पगडंडी के सहारे गाँव में जाना पड़ता है। आपकी सरकार है, 2-2 मंत्री आपके हैं, तो कहाँ सरकार का कार्य दिखाई पड़ा अरुण जी? समय बहुत कम मिला, आपको मालूम होना चाहिए अजय बाबू। इसके पूर्व में काफी दिन तक भाजपा की सरकार रही और 14 महीना मात्र आपके UPA की सरकार रही, फिर भी काफी काज संतोषजनक है। मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस गति से काम चल रहा था, यदि समय मिलेगा तो हम समझते हैं हर गाँव में बिजली जाएगा। हर गाँव में बिजली जाएगी, बिल्कुल। पानी भी जाएगा, पानी भी, सड़क भी, ये मूलभूत जो समस्या उसका समाधान यदि कर सकती है तो EPA की सरकार कर सकती है। लेकिन वोटर तो कुछ और मन बना रहा है, वोटर बहुत नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कुछ लोग मतलबी लोग और खास करके बिछौलिया टाइप के लोग रिमर करते हैं, भाड़े के लोग। आप जाएं कुंदा, आप जाएं प्रतापपुर के गाँव में, आप जाएं कान्हा चट्टी, आप जाएं हंटर इनके तिलहत गाँव में, आप जाएं बरगामा, रूट स्तर पर जाएं तो आपको पता चलेगा क्या वास्तविक बात है गाँव में। बिल्कुल, गांव में क्या स्थिति है मैंने भी देखा, गांव की तस्वीर बदलेगी या फिर वैसे ही लकड़ी पर खाना बनेगा, पगडंडी से लोग जाएंगे? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। हम लोग बहुत जमीन से ऊपर आए हैं, हम लोग पैसे की राजनीति करते हैं, हम तो माइक से बोलते हैं जय बाबू कि यहाँ चुनाव नहीं बल्कि हम गरीबों के लिए चुनौती है। पूंजीपति और मतदान के बीच में चुनौती है, हम पूंजीपति को प्रास्त करेंगे मतदान के माध्यम से। बिल्कुल, ये थे RJD के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि अरुण कुमार यादव जी। इनका साफ शब्दों में कहना है कि ये गरीब कुचलों की पार्टी है और गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे। देखना होगा कि इनके दावे का कितना कुछ भरोसा यहाँ की जनता दे पाती है। फिलहाल Ground Zero से में इतना ही। अगली बार हमारी टीम मौजूद रहेगी एक और विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।